रिसोर्सेज से हमें ये पता चल रहा है कि कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है वो रिलायंस रिटेल के रिटेल आर्म रिलायंस रिटेल वेंचर्स में इन्वेस्ट करने को देख रहे हो, करीब $1 बिलियन इन्वेस्ट करने को देख रहे हैं और 1% स्टेक। इसका मतलब ये होता है कि जो रिलायंस रिटेल वेंचर्स का रिटेल रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिटेल आर्म जो है उसका पूरा वैल्यूएशन करीब $100 बिलियन का हो जाएगा। अब ये सेकेंड राउंड ऑफ फंड रेजिंग हो सकता है क्योंकि 2020 में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने करीब 10.5% स्टेक डाइवेस्ट किए थे रिटेल आर्म में और तब का जो वैल्यूएशन था वो $62.4 बिलियन था और अब का वैल्यूएशन $100 बिलियन है जो कि करीब 60% हायर है पहले के वैल्यूएशन से। और ये क्यों है? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना जो रिटेल प्रेजेंस है उसको रैंप अप किया है, उसी के साथ 25 से ज़्यादा एक्विजिशंस किए हैं रिटेल आर्म में और जो ऑनलाइन प्रेजेंस है उसको भी काफ़ी एक्सपैंड और रैंप अप किया है जिसे हम JioMart के नाम से जानते हैं। अब रिटेल आर्म का जो वैल्यूएशन है उसकी अगर हम बात करें तो वो करीब $102 बिलियन का एवरेज वैल्यूएशन है काफ़ी फॉरेन और डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस के हिसाब से, तो वैल्यूएशन जो है वो एट पार है ना ही ये ब्रोकरेजेस के सामने। अब ये सेकेंड राउंड ऑफ फंड रेजिंग हो सकता है क्योंकि 2020 में जब जियो प्लेटफॉर्म्स में कंपनी ने डाइवर्स किया था स्टेक कभी 33.5% किया था बट रिटेल में सिर्फ 10.5% किया था, तो आगे चल के और भी ऐसे अनाउंसमेंट्स शायद आ सकते हैं रिलायंस रिटेल वेंचर्स में और इसका मतलब ये भी होता है कि आगे चल के जल्द ही जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिटेल आर्म है उसका लिस्टिंग भी हो सकता है स्टॉक एक्सचेंज पर। ध्यान में रखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर।